की आजमाइश तो जुए में की जाती है। ठीक है, इसी के साथ क्या है सर्वप्रथम मैं ऐसा इस परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा और आदरणीय हमारे रमेश साहब जो इस मंच का इतना अच्छा उद्घाटन किया और हमें एक बोलने का मौका मिला है, तो मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ मेरे देश प्रेमियों आपस में मैं एक और बात उत्साहपूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ और जिसमें आप मेरा सभी सहयोग करेंगे। अरे धुमक के धूसवा बोले अरे धुमक के धूसा बोले अरे धुमक के धूसा बोले पैर मिलाती चली रसेना हर पैर मिलाती चली रसेना हर सबका मन है बोले हर बोले रे बोले 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 हर चामन चिमन मारे भगा दो चामन चिमन मारे भगा दो पेकिंग के ऊपर बंद गिरा दो पेकिंग के ऊपर बंद गिरा दो बोले 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 बोले
इससे बहुत अच्छी प्रेरणा दी है कि सभी से प्रेम करो देशवासियों। एक्चुअली हम लोग सिर्फ मीठा बोल लेने से, बहुत अच्छा प्यार से बोल लेने से सामने वाले को अपना परिवार बना लेते हैं। कि कौआ, कौए ने कभी किसी का धन नहीं चुराया, फिर भी वो कभी किसी को प्रिय नहीं होता है। उसकी काओ 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 ऐसा लगती है जैसे वो खा रहा है, ठीक है। और कोयल ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, कोयल तो दिखती भी नहीं होगी, बहुत कम दिखती होगी, लेकिन वो सबको प्रिय है। कारण क्या है? सिर्फ उसकी बोली का, मिठास का। तो आप किसी से भी प्यार से बोल के, मिठास से बोल के अपना काम भी करवा सकते हो, अपने पक्ष में भी उसे ले सकते हो और अपना भी बना सकते हो। इसी के साथ में आरटीए नीमच से शुभम पाटीदार सर को बुलाऊंगा, वो एक फिल्मी गजल आपके सामने पेश करेंगे। तालियों से उनका स्वागत करूंगा। थैंक यू सर।